अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी कबाब बर्गर। ये आधा बंच हरा धनिया है, आधा बंच पुदीना लिया है, 15 हरी मिर्चियाँ ली हैं और 4 बड़ी बड़ी कलियाँ ली हैं लहसुन की। धो दिया है इसको, नमक डाल के इसको पीस रही हूँ। गाढ़ी होनी चाहिए चटनी। चटनी मैंने पीस दी है। आधा किलो कीमा मैंने धो दिया है चिकन का। अब ये चटनी वाले मिक्सी में मैं चिकन का कीमा डाल रही हूँ। इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून भरकर हरी चटनी। अब पीस लूँगी और फाइन मिंस मैंने कर लिया है कीमे का। अब ये दूसरा राउंड है कीमा पीसने का। इसमें भी मैं 1 टीस्पून भरकर हरी चटनी डाल दूँगी और पीस लूँगी इसको विदाउट वाटर। दूसरा भी राउंड हो चुका है कीमा पीसने का। कीमा मैंने पीस दिया है 2 राउंड करके। इसमें हरी चटनी कम लग रही है, मैं 1 टीस्पून और भरकर इसमें डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून तिल डाल देंगे। हाथ से मिक्स करना है तो हाथ से मिक्स कर लें। देखिए एक मैंने बना दिया है, दूसरा भी एक बना रही हूँ। थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा कर बनाओ तो अच्छा बनेगा। इसको इस तरह से फ्लैट कर देंगे। गोल टिक्की शेप दे देंगे। बाकी भी सारे इसी तरह से यही शेप में बना लेंगे। आप कोई दूसरा शेप भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये टिक्की बनाने के बाद हम पहले अंडे में डिप कर देंगे इसको। 2 अंडे मैंने फेंट दिए हैं नमक डालकर। फिर ब्रेड क्रम में रोल करेंगे। ज़्यादा रोल नहीं करेंगे वरना ब्रेड क्रम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस आगे पीछे थोड़ा सा लगा देंगे, बस डस्टिंग कर देंगे ब्रेड क्रम से। इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे वरना एकदम हार्ड हो जाएगा। स्लो फ्लेम पे फ्राई कर देंगे इनको। चेक करेंगे, गोल्डन हो गया है तो टर्न कर देंगे। एक साइड गोल्डन हो चुका है, दूसरी साइड टर्न कर दिया है। स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर देंगे। देखिए दूसरा साइड भी गोल्डन हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए टिक्की में अभी बर्गर बन में रखूंगी। सबसे पहले लगा दूंगी इसमें मेयोनीज। फिर चटनी लगा दूंगी हरी चटनी। चटनी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये स्वीट एंड स्पाइसी सॉस है, ये भी इस पर स्प्रेड कर देंगे। इस पर आप ओनियन रिंग्स भी रख सकते हो या टोमेटो स्लाइसेस रख सकते हो, सलाद रख सकते हो। फ्रेंच फ्राइज भी रख सकते हो। इसके साथ आप टॉपिंग अपने हिसाब की कर सकते हो। चीज स्लाइस रख देंगे, दूसरे पार्ट से इसको कवर कर देंगे। इसको आप टोस्ट भी कर सकते हो। मैं टोस्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन आपको करना है तो आप कर सकते हो उसको टोस्ट भी।
हरी चटनी कबाब बर्गर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।